तो ये ड्रोन है और इस ड्रोन के बारे में हम आपको बताएं, लेकिन आपको बता दें कि जितना ज़रूरी हमारे देश का जवान है उतना ज़रूरी हमारे देश का किसान है, और किसानों के लिए इस ड्रोन को बनाया गया है। इस ड्रोन के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस ड्रोन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, यूथ इस ड्रोन को बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे देश की है और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे बनाया गया है। और किसानों को काफ़ी समस्याएं होती थी कीटनाशक दवाओं को डालने के लिए, काफ़ी लंबी दूरी तक उन्हें जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ड्रोन किसानों की मदद करेगा। जान लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे ये कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करता है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, सबसे पहले परिचय आपका करवा देते हैं, फिर बताते हैं आपको, आप अपना नाम बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य पांचाल है एंड मैं एक ड्रोन पायलट हूँ और R&D इंजीनियर भी हूँ डीटाउन रोबोटिक्स में। ठीक है, क्या कहेंगे इस ड्रोन को बनाने में कितना समय लगा और ये ड्रोन आखिर करता क्या है सबसे पहले? जी, ये ड्रोन हमें, जैसे कि पता है, ये किसानों के लिए हमारे यूज़ होता है। किसान जो हमारे खेत के अंदर मैनुअली जो पेस्टिसाइड होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि जो किसान होते हैं, जब वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको कई सारी बीमारी होती है, स्किन की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी बीमारी होती है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो किसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समय भी लगता है इस चीज़ में। अगर किसान को एक एकड़ स्प्रे करना है, खेती एक एकड़ की फसल है उसके अंदर किसान को स्प्रे करना है, इससे लाइक मैनुअली स्प्रे करना है, तो उसमें लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। मगर अगर हम इसी ड्रोन के बारे में बात करें, ठीक है, तो इस ड्रोन से हमारा एक एकड़ जो ज़मीन है वो कुछ मिनट्स के अंदर ही, 5 से 7 मिनट के अंदर ये स्प्रे कर देता है। तो इसके दो फायदे हैं हमारे किसानों के। पहला तो फ़ायदा ये है कि समय बहुत ज़्यादा बचता है इससे, ठीक है, जो हमारा 2 घंटा किसान लेता था एक एकड़ करने में, अब वो 5 से 7 मिनट के अंदर हो जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे जो हमारे किसान की स्वास्थ्य है, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी होती है कि जो किसान का स्वास्थ्य है वो हमारा बचा रहता है, क्योंकि उनको जब वो दूर रहेंगे इससे कीटनाशकों से तो वो इसके एक्सपोजर में नहीं आएंगे और उनको कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इन सब चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ है हमारे पास। तो अब आपने समझ लिया होगा कि कैसे ये काम करता है और किसानों के लिए कितना कारगर है, लेकिन अब पांचाल मेरे को इसको उड़ा के दिखाएंगे, आप लोगों को इसे उड़ा के दिखाएंगे कि कैसे उड़ेगा और कैसे काम करेगा। पांचाल शुरुआत करिएगा कि कैसे ये उड़ता है और कैसे काम करता है। लाइक अगर हम इसको अगर हमें इसको उड़ाना होगा तो थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो थ्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे हमें थोड़ा सा पीछे होकर उड़ाना पड़ेगा। आप पीछे जाइए यहाँ पे, ठीक, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका रिसीवर होता है एंड हम इसी से इसको कंट्रोल करते हैं। इसका थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए हमें थोड़ा पीछे से उड़ाना पड़ता है। मैं इसको अब आर्म कर रहा हूँ, आप थोड़ा और पीछे हो जाइए थोड़ा सा जी। तो ये अब हमारे एक लाइक जब हमें स्प्रे करना होता है तो ये हमारे एक मिनिमम हाइट पे रहता है ताकि फसलों को भी हमारा नुकसान ना हो, और ये इसी हाइट पे रह के पूरा हम मैप बना सकते हैं। इसी हमारा जो ट्रांसमीटर है इसी के ऊपर हम पूरा मैप बना सकते हैं, पूरा जो हमारा खेत है उसको हम मैप कर सकते हैं। उसके अंदर ये अपने आप जाके ऑटोमेटिकली, हमें ऐसे सिर्फ इसको क्लिक करना होता है एंड ये ऑटोमेटिकली जाके इसको पूरे को स्प्रे करके आ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास मैप नहीं है बट मैं आपको उड़ा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसी हाइट पे या फिर फसल के हिसाब से, अगर कोई नाजुक फसल है तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि जो हमारी फसल है वो उसको नुकसान ना हो। अब जो हमारी भारी फसल होती है उसको इतनी हाइट से कुछ नुकसान नहीं होता, ये लगभग 1 से 2 मीटर की ऊँचाई पर रहता है। तो आप देख रहे हैं कि पांचाल इसे उड़ा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब ये खेत में जाता है तो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये इस वक्त उड़ रहा है और यहाँ से कीटनाशक दवाई खेत में डाली जाती है ताकि किसानों को राहत मिल पाए और इसके ज़रिए कीटनाशक दवाई डाली जा सके। अगर कीटनाशक दवाई वहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि अभी इसमें कीटनाशक कोई दवाई नहीं है, हाँ पानी ज़रूर है जिसके ज़रिए हम आपको दिखा सकते हैं कि अगर वो गिरेगा तो किस तरीके से गिरेगा और किस तरीके से खेतों में वो आएगा, और इसी ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर पानी गिरेगा और बताएगा कि कैसे छिड़काव होगा इस खेत में। मान लीजिए कि ये खेत है और यहाँ पर फसल है और जब फसल से पानी गिरेगा तो इस तरीके से गिरेगा जैसे इस वक्त मेरे ऊपर गिर रहा है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने एरिया में ये छिड़काव कर रहा है।
और छिड़काव इस तरीके से है कि पूरे खेत में कहीं ना कहीं ये छिड़काव हो रहा है, जो तस्वीर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है, जो किसानों के लिए बनाया गया है और किसानों के लिए ही ये कारगर साबित होगा, क्योंकि हमारे देश की टेक्नोलॉजी किसानों के लिए भी काम कर रही है और हमारे देश की टेक्नोलॉजी जवानों के लिए भी काम कर रही है। और जवान और किसान का नारा जिस तरीके से दिया गया है कि उनको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाना है, और उसी के तहत ये ड्रोन बनाया गया है, जिस ड्रोन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता है। लेकिन इसमें इस वक्त पानी है और इस वक्त पानी का हम छिड़काव करके सिर्फ आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे ये काम करता है आसानी से। लेकिन बनाने में काफ़ी मेहनत लगी और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे बनाया गया, और इसे दिखाने का मकसद हमारा यही है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत इस ड्रोन को बनाया गया है, और इस ड्रोन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, और ये किसानों के लिए बनाया गया है ख़ासतौर पर, क्योंकि किसान जब इसका इस्तेमाल करेगा तो उसे लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और अपने खेत में जा जाकर छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, जो मेरे पीछे इस वक्त आप ड्रोन देख पा रहे हैं। बेहद कारगर साबित है और हमारे देश के किसानों के लिए है, और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है, जो तस्वीर भी बयां करती है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती और वो तस्वीर श्रेष्ठ भारत आपको दिखाता रहता है। आगे भी ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, श्रेष्ठ भारत के लिए।